नमस्कार। हाय दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे ही होंगे। नमस्कार। आज दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर्स कितने प्रकार के होते हैं या टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के प्रकारों को विभिन्न आधारों पर विभक्त किया गया है, जैसे कि एप्लीकेशन के आधार पर, नंबर दो उद्देश्यों के आधार पर, और नंबर तीन आकार एवं क्षमता के आधार। एप्लीकेशन के आधार पर तीन प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। नंबर एक एनालॉग कंप्यूटर, नंबर दो डिजिटल कंप्यूटर, और नंबर तीन हाइब्रिड कंप्यूटर्स। ये कंप्यूटर्स हैं। नंबर एक एनालॉग कंप्यूटर, ये भौतिक मात्राओं को नापने का कार्य करते हैं, जैसे तापमान, लंबाई, चौड़ाई आदि को नापकर ये अंकों में एनालॉग का प्रयोग विज्ञान एवं इंजीनियरिंग क्षेत्रों में किया जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में परिमाप का अधिक प्रयोग किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, डिजिट यानी अंक, अर्थात डिजिटल कंप्यूटर्स। यह वह कंप्यूटर होते हैं जिनमें अंकों की गणना होती है। डिजिटल कंप्यूटरों में दो अंक होते हैं, जीरो और एक, जिसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। इन्हीं के आधार पर यह कार्य करता है। इन दोनों अंकों को बिट कहा जाता है। इनके प्रयोग कई हैं, जैसे कि शिक्षा विभाग है, बैंकिंग है, व्यापार है, मनोरंजन आदि में इनका प्रयोग किया जाता है। आजकल ये काफ़ी हाइब्रिड कंप्यूटर्स, ये वो कंप्यूटर्स होते हैं जिनमें एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण समाहित होते हैं, वो हाइब्रिड कंप्यूटर्स कहलाते हैं। इनका प्रयोग अत्यधिक मात्रा में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में किया जाता है। उद्देश्यों के आधार पर कंप्यूटरों को दो भागों में विभक्त किया गया है, जनरल पर्पस कंप्यूटर और दूसरा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। नंबर एक जनरल पर्पस जो कंप्यूटर्स होते हैं, उनके सामान्यतः कार्य जो दुकान हैं, घर हैं, उनमें अत्यधिक मात्रा में किया जाता है, ये जनरल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं। और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं, उनका प्रयोग कुछ विशेष कार्यों में किया जाता है, जैसे कि मौसम विभाग है, कृषि विज्ञान है, युद्ध में, अंतरिक्ष आदि में किया। आकार एवं क्षमता के आधार पर कंप्यूटरों को चार भागों में विभक्त किया गया है। नंबर एक माइक्रो कंप्यूटर, नंबर दो मिनी कंप्यूटर्स, और नंबर तीन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, और आता है अपना चौथा सुपर कंप्यूटर। पहले हम माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में आपको बताएंगे। इस कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर दो कारणों की वजह से कहते हैं, क्योंकि इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, इसलिए इसको हम माइक्रो कंप्यूटर्स कहते हैं। और दूसरी वजह इसकी है कि यह आकार में बहुत छोटा होता है, इसलिए इसको हम माइक्रो कंप्यूटर। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली लगभग बड़े कंप्यूटरों के समान ही होती है, परंतु ये आकार में छोटे होते हैं, इसलिए इन कंप्यूटरों पर एक ही व्यक्ति कार्य करता है। माइक्रो कंप्यूटर को निम्न भागों में बांटा गया है। नंबर एक डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, नंबर दो लैपटॉप कंप्यूटर्स, नंबर तीन नोटबुक कंप्यूटर्स, नंबर चार टैबलेट कंप्यूटर्स, और पाम टॉम कंप्यूटर्स। ये कंप्यूटर्स हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स को पांच भागों में विभक्त किया गया मिनी कंप्यूटर्स पर। यह कंप्यूटर्स माइक्रो कंप्यूटर से अधिक गति से कार्य करते हैं, और इनमें एक से अधिक सीपीयू लगे होते हैं, और यह माइक्रो कंप्यूटर्स से महंगे भी होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स इनसे थोड़ा अधिक क्षमता वाले कंप्यूटर्स होते हैं। अब हम सुपर कंप्यूटर के बारे में आपको जानकारी देंगे। सुपर कंप्यूटर दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर्स होते हैं। इनमें प्रोसेसिंग बहुत ही फास्ट होती है।
इस कंप्यूटर में एक से अधिक सीपीयू लगे रहते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अत्यधिक सीपीयू लगे होने के कारण ये महंगे भी होते हैं और इन पर अत्यधिक आदमी बैठकर, व्यक्ति बैठकर कार्य कर सकते हैं। ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली और सुपर कंप्यूटर होते हैं। इनकी प्रोसेसिंग बहुत ही फास्ट होती है। अंतरिक्ष में कई जगह इनका प्रयोग अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का नाम है परम, और यह सुपर कंप्यूटर के कार्य अंतरिक्ष यात्राओं के लिए, मौसम विज्ञान की जानकारी के लिए और युद्ध के लिए और कई क्षेत्रों में इसका प्रयोग आजकल बहुत मात्रा में किया जा रहा है। बहुत ही फास्ट प्रोसेसिंग वाला भारत का सुपर कंप्यूटर परम कंप्यूटर है।